सो हे गाइस, दिस इज अर्जुन। वेलकम टू अनदर वीडियो। एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। और इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है आपको थंबनेल में और टाइटल में पता चलेगा इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है। तो आज उसी को हम क्लियर करने वाले। बहुत सारे लोगों को स्नो पेंट करना नहीं आता, स्नो माउंटेन पेंट करना नहीं आता है। वेल, मुझे भी नहीं आता था, बट मैंने सीखा। ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इंजीनियर वाला काम नहीं है। ईजी है, बस एक पेपर उठाओ, ब्रश उठाओ और एक कलर उठाओ, कोई सा भी, बस और लग जाओ। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये आपने सुना ही होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक कार्डबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक शीट है ये, आप पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको पूरा गिल्ला कर रहा हूँ, गिल्ला मैं वही पोर्शन कर रहा हूँ जो मैं आज पेंट करने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं पूरा शीट ही गिल्ला कर दिया, वो भी गिल्ला थोड़ा हल्का ही कर रहा हूँ। और इसमें जो मैंने स्काई लिया है वो लिया है ब्लू और वाइट कलर के मिक्सचर में स्काई लिया, ताकि स्काई हमारा ब्राइट लगे। और जो ये बैकग्राउंड में जो कलर है ब्राउन कलर, इससे हमारा स्काई और भी ज़्यादा ब्राइट लगेगा कलर से। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, अभी आप देख सकते हो मैंने ब्लू लिया है, पर आपको लगेगा वो डार्क ब्लू है। बस इसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स करना है, थोड़ा वाइट मिक्स का तड़का देना है, उसके बाद थोड़ा पानी का तड़का देना है, उसके बाद लग जाओ करने। ये देखो अभी कलर कैसा ब्राइट निकल रहा है। इसमें थोड़ा और डिटेलिंग करने के बाद हम लोग बना लेंगे और आपको वीडियो में पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड कर देना, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा मिल सकता। तो गाइज़ हमारा पेंटिंग बन के कम्प्लीट हो चुका है जैसा आप देख सकते हो। और पेंटिंग में जो माउंटेन है वो कैसे बना है आप ज़रूर से कमेंट कर दो। और पार्ट टू के लिए सब्सक्राइब करो, तो ये पूरी सीरीज होने वाली है। चलो बाय।